प्रयागराज दिनांक 19 मार्च 2023 को इलाहाबाद विकास मंच की तरफ से महिला होली मिलन व हास्य कवि सम्मेलन चौरसिया धर्मशाला लुकरगंज में शाकुशल संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी थे। विशिष्ट अतिथि राकेश पांडे व अध्यक्षता भद्री चौरसिया ने किया। मुख्य वक्ता सुनीता देवी व महामंत्री जावेद अहमद थे। फूलों व गुलाल से होली खेली गई। मुख्य अतिथियों को मोमेंटो शॉल व फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया, तो कवियों ने कला से मंच को खिलखिला दिया। मंच ने प्रेम रोज शिक्षा संस्थान के प्रबंधक फरहान आलम, वरिष्ठ पत्रकार गुफरान खान व यूफोरियल यूथ सोसाइटी के देवेश जायसवाल, जगजीत सिंह गगन, अनीश पांडे, मनोज सुभान को सम्मानित किया। विकास मंच ने समाजसेवी व पत्रकारों को सम्मानित किया। अध्यक्ष बद्री चौरसिया ने न्यायमूर्ति व सभी शामिल लोगों का शुक्रिया कहा। वहां बताया कि ये 26वां होली मिलन समारोह था जिसको हमने मनाया और आगे भी मनाएंगे। कार्यक्रम में गुफरान खान, जुल्फिकार अहमद, अरशद पारागी, आशिक खान, निशा मिश्रा, मिलन चौरसिया, अतुल चौरसिया, दीप चंद्र मिश्रा, रवि बाबू जायसवाल, अहमद अब्बास आदि शामिल थे। प्रयागराज से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट। नाराज है इलाहाबाद विकास मंच का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये विगत कितने वर्षों से हो रहा है? इलाहाबाद विकास मंच का होली मिलन समारोह 3 नवंबर 1996 को जब विकास मंच का गठन हुआ, उसके उपरांत हर होली के अवसर पर होली के बाद होली मिलन कार्यक्रम 24वां साल हो गया। होना तो चाहिए था 26वां साल, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाया, इसीलिए ये 24वां होली मिलन समारोह आज चौरसिया धर्मशाला हिम्मतगंज में मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी और उनकी पत्नी श्री मधु चौधरी जी रहीं, साथ में श्री अनंत विजय एडवोकेट, साथ में चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा के अनिल कुमार जी तथा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भाई राकेश पांडे जी इसमें विशिष्ट अतिथि थे और तमाम अन्य वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल इतना रहता है कि इस शहर की जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब को हम लोग बनाए रखें। इसमें हमारे साथ जावेद भाई, मोहम्मद हाशिम जी, तमाम कला निधि त्रिपाठी जी, ये सब लोग, बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का संगम कहा जाता है, एकता की गंभीरता को हम लोग पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पिछले 26 वर्षों से इस शहर में चला रहे हैं। आज उसी की कड़ी में ये होली मिलन समारोह है। इलाहाबाद विकास मंच का मेन मुद्दा क्या है, आप लोगों की सोच क्या है आगे के लिए? हमारी सोच ये है कि जो विधायक और जो एमपी चुनाव जीत करके जाते हैं, वो जनता के सवालों पर कभी भी इलाहाबाद में लेने का प्रयास नहीं करते, उनके सवालों को उठाते नहीं हैं। लिहाजा हम लोगों ने तय किया कि इलाहाबाद विकास मंच केवल इलाहाबाद की जन समस्याओं को उठाएगा और हम लोग इस पर प्रयास करते हैं कि इस शहर में कोई हैंडपंप मरा तो नहीं पड़ा है, कोई स्ट्रीट लाइट बुझी तो नहीं है, किसी गली में कीड़े तो नहीं चल रहे हैं नालियों में, तो इस तरह की गंदगी के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर पता नहीं कितने चक्का जाम और धरना प्रदर्शन और इस शहर के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है। मैं बद्री चौरसिया, अध्यक्ष इलाहाबाद विकास मंच, पूर्व पार्षद। इलाहाबाद विकास मंच के लिए एक सम्मान समारोह चालू कर लिए, उसमें आपका सम्मान हुआ है, आपकी टीम को सम्मान किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज इलाहाबाद विकास मंच का महिला होली मिलन समारोह और कव्य सम्मेलन था, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर श्री गौतम चौधरी जी उपस्थित थे और महिलाओं के लिए यहाँ पर इलाहाबाद विकास मंच ने जोर दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए सबको सम्मान किया और उसी तत्वाधान में इलाहाबाद विकास मंच ने हमको भी सम्मानित किया और मैं इलाहाबाद विकास मंच का प्रवक्ता हूँ, मीडिया इंचार्ज हूँ
और इसका सारे चीज़ का अमर उजाला और भी अखबारों के अंदर प्रकाशित हुआ था। और यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम था बद्री चौरसिया जी के नेतृत्व में और जावेद अहमद मंत्री हैं उनके नेतृत्व में। और यहाँ पे हम लोगों ने जो सम्मान हम लोग हुए इसके साथ सम्मान जो इन लोगों ने दिया उसमें बहुत ही हौसला हम लोग का बढ़ा, जिसमें यूफोरियल यूथ सोसाइटी की प्रेसिडेंट दिवेश जायसवाल जी और पूरी टीम अनीश जी और गगन जी को भी सम्मानित किया गया। और साथ में प्रिम रोज शिक्षा संस्थान के प्रबंधक फरहान आलम जी भी थे मौजूद, उनको भी सम्मानित किया, जो हम लोग की बहुत गर्व की बात है। और मैं मीडिया प्रभारी इलाहाबाद विकास मंच के साथ साथ प्रिम रोज शिक्षा संस्थान का भी मीडिया प्रभारी हूँ और यूफोरियल यूथ सोसाइटी का भी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं आप सभी मीडिया प्रभारियों का जो यहाँ पे मीडिया के लोग आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से शाह आलम साहब, गगन साहब, गौरव भाई, विवेक भाई और तमाम मीडिया के लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मोहम्मद इलाहाबाद विकास मंच का कार्यक्रम लगभग 26 सालों से हो रहे हैं और सकुशल आप लोगों की दुआओं से सकुशल यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं तमाम मीडिया प्रभारियों को यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। इलाहाबाद विकास मंच का मुख्य एम क्या है? इलाहाबाद विकास मंच का जो सबसे पहला मुद्दा है वो शराबबंदी को लेकर है और आज भी शराबबंदी को लेकर हम लोगों की आवाज़ लगभग उठ रही है। और दूसरा, कालवन हॉस्पिटल के अंदर MRI मशीन नहीं है, स्कैन मशीन नहीं है, उसके लिए भी इलाहाबाद विकास मंच ने कमिश्नर से लेकर DM को हम लोगों ने जो है वो दिया है, ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के जरिए हम लोग की कोशिश है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर इलाहाबाद विकास मंच सक्रिय है और जल्दी MRI मशीन कालवन हॉस्पिटल में लगेगी। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान खान, मैं इलाहाबाद विकास मंच का प्रवक्ता व सोशल एक्टिविस्ट हूँ।